हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इटैक कम्प्यूटर एजुकेशन में आज की जो क्लास होने वाली है बड़ी बड़ी दमदार होने वाली है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम टेबल यूज़ करते हैं लेकिन टेबल के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जैसे कि हमने रो इंसर्ट करनी होती है या फिर हमने किसी सेल को स्प्लिट करना होता है टेबल को स्प्लिट करना होता है ऐसे बहुत सारे फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे मैं समझता हूँ कि एम एस वर्ड में आपने ये चीज़ें यूज़ भी की होंगी लेकिन गूगल डॉक्स के अंदर काफी सर्च करने के बाद में मैंने भी देखा यूट्यूब पे इस तरह की कोइन क्लासेस नहीं है तो आज की इस क्लासेस में मैं आपको यही बताऊंगा कि इंसर्ट के अंदर जाने के बाद में ये टेबल वाले जो ऑप्शन हैं इनको हम कैसे इजीली समझ पाएंगे तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक और बने रहिएगा हमारे चैनल पर और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाइएगा चलिए फिर शुरू करते हैं आज के ये क्लासेस जी हाँ दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी मेन स्क्रीन पर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये सारा का सारा फॉर्मेट गूगल डॉक्स का आज हम बात करने वाले थे टेबल की तो मैंने पहले से ही एक टेबल को रेडी कर लिया ताकि मैं आपको इजिली इसको आसानी से जल्द से जल्द समझा सकूँ तो सबसे पहले क्या होगा कि जब भी आप अपने फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपका ये टेबल वाला ऑप्शन अनेबल नहीं होगा ये अनेबल तब होगा जब आप टेबल के अंदर क्लिक कर देंगे जैसे कि मैंने टेबल बना दी और इसको क्लिक कर दिया अब आप फॉर्मेट में जाएंगे टेबल आपको हाईलाइट दिख जाएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले ऑप्शन क्या है आपका टेबल में जाएंगे इंसर्ट कॉलम लेफ्ट जैसे ही आपने इंसर्ट कॉलम लेफ्ट किया तो आपके एक लेफ्ट में नेम के बाद में एक कॉलम और ऐड हो गया मैं वापस से इसको कंट्रोल जेड करके दिखा देता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या चीज़ें हुई थी उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वापस से टेबल में इंसर्ट कॉलम राइट अगर हमने लेफ्ट की जगह राइट right में ऐड करना है कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें नेम और एज के बीच में एक कॉलम ऐड करना होता है एक्सेल के अंदर कंट्रोल प्लस से उसको ऐड कर सकते हैं लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा नहीं होता तो हमने क्या करना है कि गूगल डॉक्स में जाने के बाद में इस तरह से हम एक कॉलम को ऐड कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आ जाते हैं डिलीट रो अगर हमारी रो को डिलीट करना है तो हम उसको कैसे करेंगे वापस से टेबल में आएंगे डिलीट रो तो आप यहाँ देखेंगे कि एक रो डिलीट हो चुकी है वापस से उसको कंट्रोल जेड करके हम वापस ठीक कर सकते हैं वापस टेबल फिर कॉलम को डिलीट करना है तो आप यहाँ देखेंगे कि नेम वाला जो कॉलम था वो हमारा डिलीट हो चुका है ऑप्शन आ जाता है टेबल अगर तुमने पूरी टेबल को डिलीट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं वापस से कंट्रोल आ जाइएगा और फॉर्मेट में जाना टेबल पे क्लिक करना है, डिलीट टेबल तो यहाँ आपको इजीली ये सारे ऑप्शन इजीली करने को मिलेंगे ये टेबल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा उसके बाद आ जाता है आपका पिन हेडर अप टू तो दिस रो ये वाली जो रो है इसको अगर आप पिन अप करना चाहते हैं तो आप इजिली इसको यहां से कर सकते हैं और अनपिन करना चाहें तो इसका क्या काम होता है मैं आपको बता दूं कि जब कभी हमारे पास में डेटा बहुत सारा हो जाएगा और आप इसको स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये हेडर वाली रो हमें यहीं की यहीं मिलेगी फ्रीज हो जाएगी और बाकी का डेटा हमारा ऐसे ही स्क्रॉल करता रहेगा तो इसको हम वापस से अनपिन कर देते हैं टेबल पर जाएंगे यहाँ पर हमारा अनपिन हो गया अब वापस से टेबल में एंटर करना है डिस्ट्रीब्यूट रो रो को डिस्ट्रीब्यूट अगर हमने करना है तो हम कैसे करेंगे हम बीच में यहाँ पे जाएंगे और इसको इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सेम इसी तरह से हम इसको कॉलम को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जिसका ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है अब आ जाता है मर्ज सेल का अगर हमने कुछ सेल मर्ज करनी है जैसे कि मैं इस सारे डेटा को यहाँ पर ले आता हूँ कॉपी करके और इसको मैंने यहाँ पर पे पेस्ट कर दिया और मैं अब इस सारे डेटा को डिलीट कर देता हूँ एंड फिर इसको मर्ज करता हूँ मर्ज करने से क्या होगा कि ये सारे के सारे सेल अब हमने जैसे इसमें हेडिंग देनी है जैसे कि स्टाफ रिकॉर्ड के नाम से मैंने इसको नाम दे दिया अब मुझे ये हेडिंग बनानी है तो मैं इसको बोल्ड करूँगा इसका साइज़ कैपिटल करूंगा इसको अलाइनमेंट सेंटर करूँगा तो इस तरह से ये हमारा एक अट्रैक्टिव सी लिस्ट बन जाएगी जो आपको देखने में यहाँ पे काफी सुंदर नजर आ रही होगी क्योंकि सिस्टम ये जितना भी डेटा एंट्री का वर्क होता है इसको जितना भी सिस्टमेटिक तरीके से आप लगाओगे ये उतना ही अच्छा परफेक्शन आपको दूसरे के सामने इंप्रेशन बना के देगा फिर आ जाता है अनमर्ज सेल का जैसे कि आप यहाँ पे आ गए अब वापस से टेबल में जाओगे अनमर्ज कर दोगे तो ये वापस से अनमर्ज हो जाएगी अब हमने वापस से टेबल में जाना है और स्प्लिट सेल अब स्प्लिट सेल का क्या काम होता है जैसे कि यहां पे हमने एड्रेस है या कॉन्टैक्ट है इसमें दो कॉन्टैक्ट को हमने डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे फॉर्मेट में जाएंगे टेबल के अंदर जाएंगे स्प्लिट सेल तो यहाँ पे एक की जगह दो कर देते हैं तो क्या होगा कि कॉलम में दो बॉक्सेस रेडी हो जाएंगे अगर हम इस काम को रो के साथ करते हैं तो भी हम इस आसानी से कर देंगे आप दो बना सकते हो चार बना सकते हो पांच बना सकते हो वो इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं नो वरी। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है शॉर्ट असेंडिंग कई बारी हम उल्टी सीधी चीजें जैसे कि हम यहाँ टेबल बना देते हैं इतनी सारी और हमने यहाँ पे लिख दिया ये वाले सीरियल नंबर जैसे ये नंबर हमने लिखे हैं इसी तरह से नाम भी हो सकते हैं अब मैं चाहता हूं कि इनको शॉर्ट कर दिया जाए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हम टेबल पे जाएंगे शॉर्ट असेंडिंग कर देंगे तो आप यहां देखोगे सारे के सारे नंबर सीरियल वाइज लग चुके हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि ये वाली सारी चीजें चेंज हो गई एक्सेल में भी ऐसी चीजों का यूज किया जाता है अब समझ आया आपको पिन का मतलब जब हम पिन कर देते हैं तो हमारी सेल वहीं की वहीं पे फ्रीज हो जाती है उनको कोई चेंजेस नहीं कर सकते अब मैंने इनको वापस से चेंज करके दिखाया तो ये इजीली हो चुके हैं नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है डिससेंडिंग मतलब कि अप से डाउन एंड डाउन से अप वन टू सिक्स हो जाता है या सिक्स टू वन हो जाता है इसी तरीके से हम टेबल में ये वाले सारे ऑप्शन हमने यूज़ किए अब ऑप्शन आ जाता है टेबल प्रॉपर्टीज का सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं क्विक लेआउट का कि हमने अपने टेबल को किस एंगल में रखना है ठीक इसको क्लोज कर देते हैं टेबल फिर यहाँ आ जाती है कि अब अपने मार्जिन कितना रखना है टेबल का साइड से कितना रखना है लेफ्ट से कितना रखना है टेबल की सेल वगैरह का टॉप से कितना है ये सारी चीज़ें मार्जिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी एक कॉलम की विर्थ कितनी होनी चाहिए रो की विध कितनी इसमें हाइट कितनी है ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं फिर उसका कलर किस तरीके से आपने देना है ठीक है वो सारी चीजें आप यहाँ पे यूज करके देखिएगा आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये बहुत सारे ऑप्शन टेबल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे आप चाहते हैं कि सेल के अंदर किस कैसा कलर यूज किया जाए वो सारा का सारा ऑप्शन इस टेबल प्रॉपर्टीज के अंदर देखने को आपको मिल जाएगा आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी सिर्फ टेबल का ही ऑप्शन इसलिए समझा है क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा फॉर्मेट के अंदर ये इमेज और बॉर्डर लाइन्स सो गूगल डॉक्स के इस सीरीज में आपको इसी तरह से बने रहना है लास्ट सारी वीडियो देखनी है और कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसको हमसे इजिली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और आपको इजिली नंबर भी प्रोवाइड किया जा सकता है वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा मिलते हैं फिर अगली वीडियो में